हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज मैं मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और फेमस पुराने गार्डन हैंगिंग गार्डन में आपको लेकर चलता हूँ। इसके लिए आपको मुंबई के ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन आ जाना है। वहाँ से ऊपर पुलिया से आप आ जाएंगे तो पुलिया से आपको बस मिलेगी 42 नंबर यानी 42 और 105 105। इस बस में बैठकर आप हैंगिंग गार्डन की इन सीढ़ियों से गेट नंबर 1 से आप ऊपर एंट्री कर सकते हैं। ये एक हैंगिंग गार्डन है और इसके ऑपोजिट साइड में कमला नेहरू गार्डन है। इन दोनों को मिलाकर कुछ लोग हैंगिंग गार्डन बोल देते हैं, लेकिन दरअसल में ये दोनों गार्डन अलग अलग हैं। कमला नेहरू गार्डन में एक ओल्ड लेडी शू देखा गया है, मतलब एक पुराना जूता घर बनाया गया है जो बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, वो कमला नेहरू गार्डन में है। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको केवल हैंगिंग गार्डन के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। यह गार्डन 137 साल पुराना है। इस गार्डन के यहाँ से 3 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 दरवाजे फिलहाल खुले हैं, 1 दरवाजा बंद है। इस तरफ ये गेट नंबर 1 और इसके जस्ट सामने कमला नेहरू गार्डन का गेट नंबर 3 दिखता है, लेकिन मैं आपको हैंगिंग गार्डन लेकर चल रहा हूँ। दरअसल में ये हैंगिंग गार्डन के ऊपर आते ही हमारे को एक इस तरीके से ये नोटिस बोर्ड या सूचना पट लिखा मिलेगा, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो इस गार्डन की रख रखाव और सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शन हैं, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ये पढ़ने के बाद मैं यहाँ से आपको राइट साइड से इसके वॉकिंग रैम या वॉकिंग एरिया से वॉक करते हुए लेकर चलूँगा और पूरे गार्डन में आपको घुमा दूंगा। दरअसल में दोस्तों, इस गार्डन को कुछ लोग हैंगिंग गार्डन कहते हैं। दरअसल में इस गार्डन को हैंगिंग गार्डन क्यों कहा गया है? मुंबई की जो प्रसिद्ध मालाबार हिल्स हैं, उसे में सीढ़ीदार उद्यान के रूप में इसे विकसित किया गया है और ये ढलान वाले हिस्से में है, इसलिए हैंगिंग गार्डन इसे कहा जाता है। और यहाँ से हम कमला नेहरू गार्डन में जाकर वहाँ से मुंबई का मुख्य शहर का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। लेकिन अंदर इस हैंगिंग गार्डन में कुछ इस तरीके की क्यारी नुवा ये कुछ छोटे पौधे लगाए गए हैं और इस तरीके से कटाई की गई है जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। ये बड़े बुजुर्गों के बैठने की कुछ इस तरीके की सिटिंग व्यवस्था अरेंजमेंट की गई है और अलग अलग जगह इनके बैठने के लिए जगह बनाई गई है। कुछ जगहों में तो सीनियर सिटीजन्स के लिए केवल रिजर्वेशन भी किया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे जिनकी कटाई बहुत ही बेहतरीन, ये जगह यहाँ पर केवल सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए है। जब मैं राइट साइड से वॉक करते हुए आता हूँ तो मेरे राइट साइड में ये दीर्घा पहनाई और इसकी तरफ पे गेट आ गए। ये देखो कुछ इस तरीके से ये पौधे और जानवरों के रूप में कुछ ऐसी कटाई की गई है जो देखने में इस गार्डन को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये फूल इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन एक से बढ़कर एक पुष्प फ्लावर्स इस गार्डन की सुंदरता को और भी मनमोहक बना देते हैं। बरहान, मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलूंगा। बात तो ऐसी सुनने में आ रही है कि नवंबर 2023 से 7 सालों के लिए इस गार्डन में एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर इस गार्डन के आसपास में मुंबई शहर का मुख्य जल भंडार रखा गया है और उस जल भंडार की पिनर जो है कमजोर हो गए और ऐसे में बीएमसी द्वारा उन जल भंडार को पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इसके चलते इस गार्डन की खुदाई और आसपास के 350 से भी अधिक पेड़ों की कटाई की जाएगी, जिनमें से कुछ पेड़ वापस पुनः लगाए जाएंगे। लेकिन ये वॉकिंग डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इस गार्डन के चारों तरफ 670 मीटर का ये घेरा है
जिसमें बड़े बुजुर्ग और सब लोग यहाँ पर वॉक करते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग कुछ ऐसी क्या करती है जो पुरानी सी हो गई है, थोड़ी समझ से परे है, और पुराने लोग तो जानते होंगे ये कैसी डिजाइन है और किससे संबंधित है, लेकिन देखने में अभी भी आकर्षक लगती है। दरअसल में ये गार्डन 1881 में बनाया गया था और मूल रूप से ये दी बॉम्ब लाइन्स ऑफ बॉम्बे के नाम से प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता को समर्पित है। दरअसल में फिरोज शाह मेहता एक पारसी राजनेता रहे हैं और वकील के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। दरअसल में ये वही फिरोज शाह मेहता हैं जो 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ स्टेशन से बाहर कुछ विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर आसपास घूमने के लिए और भ्रमण के लिए आ जाते हैं, लेकिन मुंबई शहर के लोगों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये हैंगिंग गार्डन या फिरोज शाह मेहता गार्डन, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रजातियों के अलग अलग पोस्ट ये जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दूसरी ओर हम जाएं तो इस गार्डन में विभिन्न प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं देखी जा सकती हैं। नरसन में आगे चलते ही हमारे को यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था और एक वाटर कूलर मिल जाता है। नरसन में जब भी हम कहीं विजिट घूमने के लिए जाते हैं तो आजकल पानी की बॉटल ही हमें खरीदनी पड़ रही है। बहुत ही कम ऐसे जगह देखी जा सकती हैं जहाँ लोगों के लिए सुलभ पीने के पानी की व्यवस्था मिल पाए, और फॉगिंग भी तो वो बंद पड़ी रहती है। ऐसे में यहाँ पर बेहतरीन ये व्यवस्था कही जा सकती है। ये देखो वर्ध महिलाएं कुछ वॉक करती हुई, और ये एक द्वार है, ये गेट है मुख्य सड़क की ओर। इसके जस्ट ऑपोजिट में कमला नेहरू गार्डन, लेकिन ये गार्डन का गेट फिलहाल बंद है। ये एक और फ्लोर के कुछ ऐसे छोटे पौधे हैं जिनके ये पीले पुष्प बहुत ही मनोहरी हैं। और आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे के दृश्य देखते हैं। का कुछ इस तरीके का बनाया गया था, इस पर पौधे लगाने थे, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन अभी नहीं है, बेल वगैरह ये नहीं लगाई गई। कुछ इधर जो है धूप काटने का ये काम चल रहा है। उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ, और इस तरफ मतलब ये कुछ ऐसा गेट बना हुआ, इस गेट से अंदर जाकर हम बैठ सकते हैं और अंदर मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाओ, बहुत ही अट्रैक्टिव है यार ये देखो। और इसके अंदर मतलब बैठे हैं कुछ लोग, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने कट मार दिया यहाँ से, इस साइड में कोने में सिटिंग व्यवस्था थी जिसको कट मार के आ गया। ये देखो वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन एक से बढ़कर एक छोटे पुष्प वाले पौधे हैं ना ये, इसकी जो है वो और भी आकर्षक बनाते हैं और चार चांद लगा देते हैं इसकी जो सुंदरता में। ये देखो कुछ इस तरीके का एक ये कुछ तो सिंबल यहाँ पर बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप एक तरीके से ये है पूरा, इस तरफ ये देखो। यहाँ पर आगे आने के बाद ये इस तरीके से ग्लोब दिखता है। ये ग्लोब दरअसल में एक स्टैचू के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें अफ्रीका और अफ्रीका के बाद एशिया और इंडिया स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहरहाल आगे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका डाउट दूर करता हूँ इस गार्डन में एंट्री फी को लेकर। इस गार्डन में एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्री में आप इस गार्डन में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, समय बिता सकते हैं। अपने किसी प्रेमी युगल के साथ में आप आए, मतलब कपल्स आप हैं तो यहाँ पर आकर कुछ समय बिता सकते हैं, लेकिन केवल बातचीत तक, आगे की कोई ऐसी आपत्तिजनक प्रक्रिया यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे
परिवार, फैमिली और बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और आप पर नजर रखते हैं। दरअसल में यहाँ पर एक इस तरीके का क्लॉक टावर हमें दिखाई देता है जो दूर से देखने पर बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। अब इसके सामने आगे लेकर चलता हूँ, कुछ लोग इसके नीचे लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ही कुछ जानकारियाँ हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हैंगिंग गार्डन दरअसल में मुंबई की यहाँ के लोकल के लोगों के साथ ही विदेशी पर्यटक और देश भर से घूमने आने वाले व्यक्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। और इसका मुख्य कारण है ये मालाबार हिल्स पर स्थित है। मालाबार हिल्स जहाँ से एक ओर से हमें मरीन ड्राइव के नज़ारे देखे जा सकते हैं, जिसे क्वीन नेकलेस भी दिखता है। ये वॉच टावर की घड़ी बिल्कुल चालू है, मतलब ये क्लॉक जो है चालू है। अब यहाँ से कुछ लोग सेल्फी लेते आपको नजर आ रहे हैं। आप भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, तो निश्चित रूप से आपको हैंगिंग गार्डन की सैर करना चाहिए अगर आप कभी मुंबई आते हैं या आने का मौका मिले तो। दरअसल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो आकर बैठते हैं, और ये देखो पौधों की कटाई देखो यार कितनी बेहतरीन है, ये दूर से देखने पर बहुत ही मनमोहक है, अद्भुत है ये दृश्य। और वास्तव में यहाँ पर बैठने पर एक अलग ही मतलब लेवल की फीलिंग होती है और हमें तो बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता है। दरअसल में यहाँ से मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको, और इस पूरे हैंगिंग गार्डन में ये फ्लोर देखते हुए मैं तो गदगद हो रहा था। दरअसल में ऐसा गार्डन बहुत कम बार मैंने देखा था, हालांकि एक दो बार जयपुर में कई राजसी महलों में ऐसे गार्डन मुझे शीश महल जैसे आमेर महल के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया था, उसके बाद मैं मुंबई का ये गार्डन देख पा रहा हूँ। बहरहाल हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे का ये पूरा नज़ारा देखते हैं। तो ये देखिए, अब सफ़ेद खूनों वाला ये एक पुष्प पादप आ गया है, और इससे आगे मैं देख रहा हूँ अंदर क्यारी नुमा कुछ अलग ही डिजाइन जो बहुत ही बेहतरीन है। दरअसल में 1921 में इस गार्डन को वर्तमान रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका निर्माण तो 1881 में ही करवा दिया गया था। ठीक है, ये दोनों तथ्य अलग अलग हैं, आप इसमें अंतर समझ सकते हैं। दरअसल में यहाँ से अंबानी परिवार का बंगला जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, उसका भी एक दृश्य यहाँ से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंबानी परिवार का बंगला 27 मंजिला है, वो भी मैं आगे चमकर आपको दिखाऊंगा। लेकिन दरअसल में ये पुष्प बहुत ही सुंदर सुंदर, अति उत्तम, अद्भुत, वाकई ही देखिए और मजे लीजिए। देखिए मैं जो है फिलहाल हैंगिंग गार्डन में हूँ, और हैंगिंग गार्डन से यहाँ से जो लोधा टावर लोधा लिखा हुआ है, इसके जस्ट यहाँ से एंटीलिया का दृश्य भी देखा जा सकता है। मतलब अंबानी परिवार का जो बंगला एंटीलिया यहाँ से ऐसा कैसा दिख रहा है, जस्ट यहाँ से पीछे से उसका व्यू देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। एक हल्की सी वाइट कलर की जो बिल्डिंग है उसके सामने आ जाती है, नहीं तो थोड़ा सा मतलब व्यू यहाँ से आप कर देख कर पहचान सकते हैं इसको। और यहीं से बहुत बेहतरीन मतलब लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, कुछ पर्यटक भी दूर से घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। जस्ट यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वो जॉगिंग के लिए सुबह शाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ घुमाकर। यहाँ पर जो पौधों की, छोटे पौधों की जो कटाई है ना, बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से की गई है, जो इस गार्डन में जो सुंदरता है उसके और चार चांद लगा देती है। कुछ ऐसे ही सुंदर पुष्प, बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर अलग अलग प्रकार के देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये छोटे पौधे और हरी जो हरियाली है, दूब है, वो इस गार्डन की सुंदरता में और भी कौतूहल विषय उत्पादक ये बनाती है। ये प्राकृतिक
दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर नेचुरली ऑक्सीजन हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल पाएगी, क्योंकि पेड़ों से घिरा हुआ ये पूरा गार्डन जिसका राउंड 670 मीटर की दूरी घेरता है। ये देखो, मतलब सुंदर सुंदर पुष्प, बहुत ही बेहतरीन। ये जो अलग ही यहाँ पर जो दीर्घा बनी मिलेगी, ये विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए इस तरफ हमें जगह देखने को मिलती है, और मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में, मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं या देखे जा सकते हैं। मतलब जॉगिंग करते हुए मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं पूरा गार्डन में अंदर से आपको घुमा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। अब यहाँ से चलेंगे कमला जो नेहरू पार्क है वहाँ उसके अंदर, और वहाँ अब अगले ब्लॉग में यहाँ पर सामने ही स्थित कमला नेहरू उद्यान का एक नया ब्लॉग मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। वो ब्लॉग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी मुंबई की प्लेलिस्ट में आप वो ब्लॉग देख पाएंगे। कमला नेहरू उद्यान का वो सोच जिसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं भी आपसे आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे और अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अब फिर मिलूंगा मैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक नेशनल ट्रेवलर के साथ मैं वी.टी. सैनी। जय हिंद, नमस्कार।